नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है हमें देखने वाले सभी दर्शक खूब मजे कर रहे हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत सारी गतिविधियां, जिसमें हम गिनेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे और खूब खेल भी खेलेंगे। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं रूमी और शमी। रूमी और शमी खेत में काम कर रहे हैं। आइए देखें वो क्या कर रहे हैं। रूमी और शमी खेत से सब्जियां लाने में एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। प्रत्येक के पास एक एक टोकरी है और वे सब्जियां उन टोकरियों में रख रहे हैं। यह है रूमी की टोकरी और यह है शमी की टोकरी। रूमी की टोकरी में हैं 7 टमाटर और शमी ने तोड़े हैं 5 टमाटर। दोनों को मिलाकर कुल कितने टमाटर हुए? 7 के आगे गिनिए 8, 9, 10, 11, 12। यानी दोनों के पास कुल हुए 12 टमाटर। इसको हम लिख सकते हैं 7 + 5 = 12। अब इसी तरह गाजरों को देखते हैं। यहाँ पर हैं 9 गाजर और 4 गाजर। 9 और 4 किस तरह जोड़ेंगे? 9 के बाद 4 अंकों की गिनती करेंगे। 10, 11, 12, 13। तो हमें कितनी गाजर मिली? कुल मिलाकर हैं 13 गाजर। इसे हम लिख सकते हैं 9 + 4 = 13। अब इसी तरह मूली को भी गिन लेते हैं। इस टोकरी में है 8 मूली और इस टोकरी में भी है 8 मूली। साथियों, कोशिश करिए, क्या आप 8 और 8 को जोड़ सकते हैं? 8 के आगे 8 अंकों की गिनती करेंगे। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और कितना हुआ? बिल्कुल 16। यानी हम लिखेंगे 8 + 8 = 16। मजा आ रहा है ना सब्जियों की गिनती में? अब एक गतिविधि आप सबके लिए। आप अपने स्कूल या आसपास एक सब्जी का पौधा लगाएं, उसका ध्यान रखें। दोस्तों, पौधे का ध्यान कैसे रखा जाता है? सोचिए। पौधे का ध्यान रखने के लिए हम उसे समय समय पर पानी देंगे और धूप में भी रखेंगे, ताकि वह पौधा अच्छे से उग सके। इस पौधे को उगाने के बाद जैसे जैसे वो बड़ा होगा, आप उसका चित्र बनाइए और चित्र को चिपका भी सकते हैं। इस बारे में अपने शिक्षक, दोस्त और परिवार वालों से जरूर बात करें। तो इस बगीचे वाली गतिविधि के बाद हम देखेंगे एक खेल, और वो खेल है मोती और माला का। आइए देखते हैं। हम खेलने वाले हैं एक खेल, और खेलने के लिए मेरे साथ हैं मोहिल। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? तो उम्मीद है कि मोहिल के दोस्त बहुत अच्छे हैं, और आइए शुरू करें। आओ सीखें खेल खेल में। तो खेलने के लिए हमारे पास है एक गिनलड़ी, कुछ इस तरह की, और गिनलड़ी में है 10 नीले मोती और 10 पीले मोती। बहुत बढ़िया। और हम देखने वाले हैं कि गिनलड़ी पर 12 + 4 कैसे करेंगे।
तो मोहिल, सबसे पहले हमारे साथियों को बताओ कि 12 कहाँ है? 11, 12। ठीक है, टैग लगा दीजिए। हाँ जी। अरे वाह, अब 12 जमा 4 कैसे करेंगे मोहिल? 13, 14, 15, 16। बिल्कुल, और यहाँ पर हमने लगाया 16। यानी 12 जमा 4 हम पहुँचे 16 पर। बहुत बढ़िया। अब कुछ और उदाहरण की मदद से कुछ और खेल खेलते हैं। तो मोहिल, मजा आ रहा है गिनलड़ी के साथ खेलने में? हाँ बिल्कुल। बहुत अच्छे, तो हम कुछ उदाहरण और देखते हैं और संख्याओं को जोड़ते हैं। अब हमें करना है 13 जमा 4। तो मोहिल, सबसे पहले गिनलड़ी पर 13 बताओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 का टैग यहाँ लगा दीजिए। हाँ बिल्कुल। बहुत अच्छे, अब हमें करना है जमा 4। तो 13 जमा 4 कैसे होगा? 1, 2, 3, 4। तो 13 जमा 4 कैसे होगा? 14, 15, 16, 17। तो हम पहुंच गए 17 पर। तो यहाँ हम लगाएंगे 17 का टैग। बिल्कुल, 17 का टैग। साथियों, हमने देखा कि किस तरह गिनलड़ी पर पहले हमने 13 ढूंढा, उसके बाद जमा 4 किया तो हमारे पास आया 17। बहुत बढ़िया। साथियों, अगली संख्याएं हैं 14 जमा 5। तो मोहिल, बताइए 14 कैसे आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 14 का टैग लगा दीजिए। हाँ बिल्कुल। साथियों, गिनलड़ी पर 14 ढूंढने के बाद हमें जोड़ना है 5, यानी 5 मोती और। मोहिल, करके बताओ। 1, 2, 3, 4, 5। तो 14 के बाद 5 मोती जोड़े तो कितना मिला? 15, 16, 17, 18, 19। तो 14 के बाद 5 मोती जोड़े तो कितना मिला? 19। तो यहाँ 19 का टैग लगा देंगे। हाँ बिल्कुल। यानी 14 जमा 5 बराबर हुआ 19। बिल्कुल सही। अगली संख्याएं हैं 5 जमा 7। तो सबसे पहले 5 गिनकर बताइए। 1, 2, 3, 4, 5। अब 5 का टैग लगा दीजिए। हाँ बिल्कुल। और 5 में हमें जोड़ना है 7, तो 7 मोती और गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 5 के बाद 7 मोती और गिने। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो मिला 12। 12 का टैग लगा दीजिए। हाँ बिल्कुल। गिनलड़ी पर हमने जोड़ा 5 जमा 7 और मिला 12। बिल्कुल। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे खेल हम खेलेंगे। क्यों मोहिल, मजा आ रहा है? हाँ बिल्कुल। बहुत अच्छे, उम्मीद है हमारे दोस्तों को भी उतना ही मजा आ रहा है। हाँ बिल्कुल।